हमारी वीडियो देखने वालों को सभी को हमारे नमस्ते। देखिए इसमें हमने 41 फंदे लिए हैं, 41 फंदे, और इसमें हम मछली का डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। देखिए बॉर्डर बनाने के बाद आप दो सिलाई बना के डिज़ाइन को शुरू कर सकते हैं। इसमें पहले हम तीन फंदे डिज़ाइन को जब शुरू करें तो जो आपका फर्स्ट कलर होगा उससे बना लें। तीन फंदे हमने वाइट बना लिए, 1 2 3, टू फंदे और कलर आप अपनी पसंद का लगा लें। देखिए 1 2, टू फंदे लाल। देखिए यहाँ पर ये हमारा डिज़ाइन आधा आएगा शुरू में, फिर बीच में हम 6 फंदे वाइट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6, फिर 2 फंदे लाल, 1 2, फिर 6 फंदे वाइट, 1 2 3, इस धागे को उस तरह ले लें, 4 5 6, फिर 2 फंदे लाल, 1 2, इसी तरह पूरी रो को कंप्लीट करना है। ये पहली सिलाई है। देखिए पहली सिलाई कंप्लीट हुई और लास्ट में हमने 4 फंदे वाइट बनाए। अब यहाँ पर 3 फंदे वाइट बना लेंगे। देखिए 1 फंदा उतार लिया हमने और 2 3, 4 फंदे लाल, 1 2 3 4, 4 फंदे वाइट, 1 2 3 4, 4 फंदे लाल, 1 2 3 4, इसी तरह बनाने हैं। बीच में 4 फंदे वाइट, 4 फंदे लाल, 4 फंदे वाइट, 4 फंदे लाल, लास्ट में 2 फंदे वाइट बनाने हैं और ये दूसरी स्लाइस तरह कंप्लीट करनी है। 2 रो, देखिए ये 2 रो तो कंप्लीट हुई और ये तीसरी सिलाई है। 2 फंदे शुरू के वाइट बना लेंगे, 1 2, 1 फंदा लाल, धागे को इस तरह लेंगे ऊपर से, फिर 2 फंदे वाइट, 1 2, 2 फंदे लाल, 1 2, आगे 3 फंदे वाइट ही बन जाएंगे, 1 2 3, एक डिज़ाइन के फंदे बन गए। अब यहाँ से शुरू करेंगे, 1 फंदा लाल, फिर 2 फंदे वाइट, 1 2, 2 फंदे लाल, 1 2, इस तरह बनाना है। और बीच में 3 फंदे वाइट, 1 2 3, ये तीसरी सिलाई है। और देखिए लास्ट में 2 फंदे वाइट बन जाएंगे और ये 2 फंदे लाल, ये 2 फंदे वाइट, ये लाल, ये 3 फंदे वाइट, इसी तरह कंप्लीट करनी है तीसरी सिलाई। 3 सिलाई कंप्लीट हुई और ये 4 रो है। एक साइड से 1 फंदा वाइट, 3 फंदे लाल, 1 2 3, 1 फंदा वाइट, 2 फंदे लाल, 1 2, 2 फंदे वाइट, 1 2, 3 फंदे लाल, 1 2 3, 1 फंदा वाइट, 2 फंदे लाल, 1 2, फिर 2 फंदे वाइट, 1 2, 3 फंदे लाल, 1 2 3, इसी तरह 4 रो को चौथी सिलाई कंप्लीट करना है। देखिए ये यहाँ के 1 फंदा वाइट, 2 फंदे लाल, फिर यहाँ 2 फंदे वाइट, 3 फंदे लाल, इसी तरह सिलाई को कंप्लीट करना है। ये 5वीं सिलाई है, 5 रो। इसमें 1 फंदा लाल बना लेंगे, फिर 4 फंदे वाइट, 1 2 3 4, 4 फंदे लाल, 1 2 3 4, देखिए इस तरह, फिर 4 फंदे वाइट, 1 2
थ्री फोर, चार फंदे लाल, वन टू थ्री फोर, इस तरह बनाना है। और यहाँ पर ये चार फंदे वाइट बन जाएंगे, लास्ट में भी हमारे ये लास्ट के चार फंदे लाल बनेंगे, और ये एक दो तीन चार, ये चार फंदे वाइट, ये चार फंदे लाल, इसी तरह पांचवी सिलाई कंप्लीट करनी है। फाइव रो, देखिए छठी सिलाई है, सिक्स रो, पीछे ये पांच सिलाई कंप्लीट होगी इस तरह। और पीछे से देखिए ये यहाँ पर हम पांच फंदे लाल बना लेंगे, क्योंकि इधर तो नहीं है। और ये पांच फंदे शुरू में छठी सिलाई में सिक्स रो में, वन टू थ्री फोर, एक इधर से लेके फाइव, फिर टू फंदे वाइट, वन टू, फिर छह फंदे लाल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू फंदे वाइट, वन टू, फिर छह फंदे, देखिए छह फंदे एक इधर से लेना है, एक इधर से। यहाँ पर हमारे पांच फंदे शुरू में इसलिए बने क्योंकि इधर आगे फंदे नहीं हैं। और इसी तरह से छठी सिलाई को कंप्लीट करना है। लास्ट में ये टू फंदे हमारे वाइट बनेंगे, लास्ट के टू फंदे लाल। देखिए हमारी छह सिलाई कंप्लीट हुई, और ये सातवीं सिलाई है। ये वाइट कलर का धागा तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, और इसे पूरी रो को हम रेड कलर से ही बनाएंगे, सेवन रो को। इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है, सीधे सीधे बना के। इस रो को इसी तरह कंप्लीट करना है रेड कलर से। देखिए सात सिलाई कंप्लीट हुई, और ये बैक साइड से आठ सिलाई है, एट रो। इसे भी उल्टा उल्टा बनाना है लाल कलर, इससे रेड कलर से भी। इसी तरह से कंप्लीट करना है इसी धागे से आठवीं सिलाई को। ये नाइन रो है, नौवीं सिलाई। इसमें पहला फंदा देखिए हम यहाँ से मछली बनाना शुरू करेंगे। पहला फंदा वाइट कलर का, फिर तीन फंदे लाल, वन टू थ्री, तीन फंदे वाइट, वन टू थ्री, तीन फंदे लाल, वन टू थ्री, फिर यहाँ पर वन फंदा वाइट, फिर तीन फंदे लाल, वन टू थ्री, तीन फंदे वाइट, वन टू थ्री, तीन फंदे लाल, वन टू थ्री। देखिए सिलाई को इसी तरह कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ से शुरू डिज़ाइन को बनाना शुरू किया है। एक मछली यहाँ तक बनेगी, ये बीच में एक फंदा लिया है, फिर दूसरी यहाँ से शुरू होके यहाँ तक बनेगी, फिर एक फंदा बीच में लिया है, और लास्ट में हमारा एक फंदा है, इसे हम वाइट नहीं लाल ही बना लेंगे। ये मछली के मुंह के सामने आ जाएगा। इस तरह से ये नौवीं सिलाई कंप्लीट होगी। ये दसवीं सिलाई है, टेन रो, वन फंदा कर लिया, फिर तीन फंदे लाल बना लेंगे, वन टू थ्री, पांच फंदे वाइट, वन टू थ्री फोर, और एक फाइव, वन फंदा लाल, वन फंदा वाइट, फिर यहाँ पर तीन फंदे बीच में लाल बनेंगे, वन टू थ्री, पांच फंदे वाइट, वन टू थ्री फोर फाइव, वन फंदा लाल, वन फंदा वाइट, यहाँ ये तीन फंदे लाल, वन टू थ्री, पांच फंदे वाइट, वन टू थ्री फोर फाइव, वन फंदा लाल,
वन फंदा वाइट, तीन फंदे लाल, वन टू थ्री, पांच फंदे वाइट, वन टू थ्री फोर और एक फाइव, वन फंदा लाल, वन फंदा वाइट, लास्ट का फंदा लाल बन जाएगा और 10 सलाई देखिए इस तरह कंप्लीट हो जाएंगी। देखिए 11 सिलाई है, वन फंदा रेड कलर का बना लेंगे, फिर 8 फंदे वाइट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फिर यहाँ 2 फंदे लाल बीच में, वन टू, फिर 8 फंदे वाइट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। देखिए इसी तरह 2 फंदे लाल पूरी रो को कंप्लीट करना है, 11 सिलाई है 11 रो। आगे ये 8 फंदे वाइट हो जाएंगे, 2 फंदे लाल, लास्ट में 2 फंदे लाल बचेंगे। देखिए 11 सिलाई कंप्लीट हुई और ये 12 सिलाई है 12 रो, इसे हम जिस कलर का जो फंदा है उसी से बनानी है, लाल से लाल बना लिए और वाइट से सॉरी इस धागे को इस तरह ले, वाइट से वाइट बनाने हैं, जो हमारे वाइट फंदे हैं उन्हें वाइट बना लेंगे। और देखिए देखिए वाइट से वाइट, लाल से लाल, इसी तरह कंप्लीट करनी है। देखिए 13 सिलाई है इसमें, वन फंदा लाल शुरू में, वन फंदा वाइट, वन फंदा लाल, फिर यहाँ पर 3 फंदे वाइट, वन टू थ्री, वन फंदा ब्लैक आपके लिए, आप इसमें कोई भी मतलब जिस कलर से बना रहे हैं रेड कलर भी लगा सकते थे इस तरह, फिर वन फंदा वाइट, फिर यहाँ पर 3 फंदे लाल, वन टू थ्री, फिर यहाँ वन फंदा वाइट, वन फंदा लाल, 3 फंदे वाइट, वन टू थ्री, वन फंदा ब्लैक, वन फंदा वाइट, 3 फंदे लाल, वन वन टू थ्री। देखिए आगे इसी तरह बनाना है और लास्ट में 3 फंदे लाल बनेंगे। देखिए 13 सिलाई कंप्लीट हुई और ये 14 सिलाई है, इसमें 4 फंदे शुरू में लाल बना लेंगे, इस धागे को अगर ब्लैक लगाया है तो इसमें यहाँ पर ही हम अच्छी तरह गांठ लगा सकते हैं बांध दे, फिर यहाँ पर 4 फंदे लाल, वन टू थ्री फोर, 3 फंदे वाइट, वन टू थ्री, 3 फंदे लाल, वन टू थ्री, वन फंदा वाइट, फिर 3 फंदे लाल, वन टू थ्री, 3 फंदे वाइट, वन टू थ्री, 3 फंदे लाल, वन टू थ्री, वन फंदा वाइट, फिर 3 फंदे लाल, वन टू थ्री, 3 फंदे वाइट, वन टू थ्री, 3 फंदे लाल, वन टू थ्री, वन फंदा वाइट, 3 फंदे लाल, वन टू थ्री, 3 फंदे वाइट, वन टू थ्री,
तीन फंदे लाल, वन टू थ्री, लास्ट में वन फंदा वाइट। देखिए पहली सिलाई की तरह ही है और इसे हम इस तरह हमने कंप्लीट कर दिया चौदहवीं सिलाई को। ये पंद्रहवीं सिलाई है, इसे हम सीधे सीधे लाल रंग से बना लेंगे पूरी रो को। देखिए इसे इसी तरह कंप्लीट करना है रेड कलर से, वाइट कलर के धागे को इधर ही छोड़ देंगे। देखिए ये इधर 15 सिलाई कंप्लीट हुई और ये 16 सिलाई है, इसे उल्टा उल्टा बना लेंगे पीछे से बैक साइड से। इसी तरह से ही कंप्लीट करना है। देखिए 17वीं सिलाई है, इसमें 6 फंदे लाल बना लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू फंदे वाइट, वन टू, फिर 6 फंदे लाल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू फंदे वाइट, वन टू। इसी तरह इस पूरी रो को कंप्लीट करना है, 6 फंदे लाल, टू फंदे वाइट। ये 17 सिलाई कंप्लीट हुई और अब ये हमारी 18वीं सिलाई है। शुरू में 4 फंदे वाइट बना लेंगे, वन टू थ्री फोर, 4 फंदे लाल, वन टू थ्री फोर, 4 फंदे वाइट, वन टू थ्री फोर, 4 फंदे लाल, वन टू थ्री फोर। देखिए इसी तरह 4 फंदे वाइट बन जाएंगे, फिर 4 लाल 4 वाइट, 4 लाल 4 वाइट। देखिए लास्ट में हमारे 4 फंदे लाल और 1 फंदा वाइट। ये 19वीं सिलाई है, इसमें 2 फंदे वाइट, 1 2, 2 फंदे 3 फंदे लाल, 1 2 थ्री, वन फंदा वाइट, टू फंदे लाल, वन टू, टू फंदे वाइट, वन टू, तीन फंदे लाल, वन टू थ्री, वन फंदा वाइट, टू फंदे लाल, वन टू, टू फंदे वाइट, वन टू। देखिए इसी तरह से कंप्लीट करना है। अब हम देखिए लास्ट में ये 3 फंदे लाल, 1 फंदा इस तरह ही बनाया है वाइट, बीच के 2 फंदे लाल, लास्ट में एक ही फंदा बचा है, इसे वाइट बना देंगे और 19वीं सिलाई कंप्लीट होगी। ये 20वीं सिलाई है, शुरू का फंदा वाइट, वन फंदा लाल, टू फंदे वाइट, वन टू, टू फंदे लाल, वन टू, तीन फंदे वाइट, वन टू थ्री, वन फंदा लाल, टू फंदे वाइट, वन टू, फिर टू फंदे लाल, वन टू, तीन फंदे वाइट, वन टू थ्री, वन फंदा लाल, टू फंदे वाइट, वन टू, टू फंदे लाल, वन टू, तीन फंदे वाइट, वन टू थ्री, वन फंदा लाल, टू फंदे वाइट, वन टू, टू फंदे लाल, वन टू, तीन फंदे वाइट,
1, 2, 3 वन फंदा लाल, टू फंदे वाइट, 1, 2 टू फंदे लाल, 1, 2 तीन फंदे वाइट, 1, 2, 3 20 सिलाई कंप्लीट हुई। देखिए किसी सिलाई इसमें चार फंदे 21 रो वाइट बना लेंगे, 1, 2, 3, 4 चार फंदे लाल, 1, 2, 3, 4 फिर चार फंदे वाइट, 1, 2, 3, 4 चार फंदे लाल। इसी तरह पूरी रो को किसी सिलाई को कंप्लीट करना है, चार वाइट चार लाल इस तरह। देखिए अब आगे ये चार फंदे वाइट बन जाएंगे। देखिए 21 सिलाई कंप्लीट हुई और ये 22वीं सिलाई है, इसमें टू फंदे वाइट बना लेंगे शुरू में, 22 रो, 1, 2 टू फंदे लाल, 1, 2 छह फंदे वाइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टू फंदे लाल, 1, 2 छह फंदे वाइट, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे टू फंदे लाल, छह फंदे वाइट, टू फंदे लाल, छह फंदे वाइट, टू फंदे लाल और लास्ट में पांच फंदे वाइट बनेंगे। इसी तरह 22वीं सिलाई को कंप्लीट करना है। देखिए डिज़ाइन तो ये कंप्लीट कर दिया हमने, इसे आप नीचे बॉर्डर में बना सकते हैं, ऊपर नीचे भी बना सकते हैं, बीच में दो सिलाई बना के। अब हम इसमें यहाँ पूरी रो वाइट कलर से बनाएंगे, ये 23 रो है, 23वीं सिलाई, इसे इसी तरह हम आपको कंप्लीट करके दिखा रहे हैं, इससे कंप्लीट कर देंगे वाइट धागे से। देखिए हमने इसमें यहाँ से इधर से लेके इधर तक 23 सिलाई बनाई है और आप इसी तरह डिजाइन को बना सकते हैं, पूरे दूसरे सेंटर में भी बना सकते हैं और बॉर्डर के रूप में बाजुओं पे और नीचे नीचे बना सकते हैं। देखिए हमने आपको यहाँ तक डिजाइन बना के दिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आपको हमारा डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।